मोदी के या दूसरी जमातों के, आपके पीटीआई के लोग तोड़कर इमरान खान के खिलाफ अदम इत्माद को कामयाब होने के लिए राह हमारी, उनका रोल था। देखिए मैं कहूँगा कुछ हद तक था, उसकी वजह मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस बयान के बाद अगर किसी के दिल में रत्ती बराबर शक भी था कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, ना कोई साइफर है, ना अमेरिका ने कोई मुदाखलत की है, ना ये जो पार्टी के लोग टूटे हैं, जो 25 या 30 लोग लोटे बने हैं करोड़ों रुपए लेकर, ये सब झूठ था, ये एक सियासी अमल था, तो उन लोगों को अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। मौलवी महमूद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, अब उनका ख़ुद इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बयान आया है जो इमरान खान साहब की तमाम बातों की तस्दीक करता है जो उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अवाम के सामने जलसों में रखी है। पहले आपको महमूद मौलवी का ये बयान सुनवाते हैं कि उन्होंने नदीम मलिक के शो में क्या बात कही। पार्टी के या दूसरी जमातों के, आपके पीटीआई के लोग तोड़कर इमरान खान के खिलाफ अदम इत्माद को कामयाब होने के लिए राह हमारी, उनका रोल था। देखिए मैं कहूंगा कुछ हद तक था, उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि ये मेरी बात कुछ हद तक था अमरीकियों का रोल। सर कुछ तो रोशनी डालें, आप तो इंसाइडर थे, आपको सारी बात याद है, किसका रोल था उस वक्त के बंदे तोड़ने में जो यहाँ पे सिंध। मैं कहूंगा कि देखिए दोनों, देखिए मैं कहूंगा कुछ हद तक दोनों मतलब एस्टेब्लिशमेंट का भी कुछ हद तक था और अमेरिकन का भी, उसकी वजह को देख रहे थे उस वक्त मुल्क जो है नहीं, उसकी मैं वजह बताऊं। देखिए मुल्क को बचाना जब होता है ना तो किसी ना किसी का रोल तो होगा। देखिए वो डैमेज हो रहे थे, देखिए आप ये देखे इमरान खान साहब पब्लिक को नहीं, अमरीकियों ने वो मुझे मेरी बात हुई थी अमरीकियों से, उन्होंने कहा, कहने लगे देखे जी ये खामा खाम है हमको रब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है, कहने लगे अगर वो जो ये वहां से शुरू है एब्सोल्युटली नॉट पे, कहने लगे ये माइलेज लेना चाहते हैं एब्सोल्युटली नॉट का, कहने लगे बहुत सारी चीजें होती है जो कि अगर नहीं करना है आप ना करें, बट इफ यू ट्राई टू रब इट टू द अमेरिकन then it's not acceptable to us. Us door ke counselor general ne mere ghar pe baith ke kaha, kehne laga this is not on, ke if your prime minister is a liar and he would is trying to rub this on us, ye main aapko daave se keh raha hu. Unhone kaha ki imran ko chuti karo, unhone kaha imran ko farig karo, unhone kaha, unhone ye kaha, kehne laga nahi imran jo hai ab zyada der is hisab se chalega nahi. आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी बेगैरती और गद्दारी का, कि ये कह रहे हैं कि हाँ किसी हद तक अमेरिका का हाथ तक इमरान खान की हुकूमत को उन्होंने हटाया, अमेरिका ने, इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की खातिर इमरान को हटाया कि वो इनके लिए भी बेहतर नहीं था, हालांकि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के मफाद में चल रहा था, आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत वो पाकिस्तान को एक आज़ाद व खुद मुख्तियार ममलिकत बनाना चाहता था, मगर ये अमेरिका को गवारा नहीं था और उनको वो एब्सोल्युटली नॉट जो इमरान खान ने उनको कहा था वाशिंगटन में बैठकर उसकी सज़ा दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ये जो मीर जाफर और मीर सादिक बैठे हैं इनको अपनी करप्शन के केसेस ख़त्म करना थे, तो लिहाजा ये सब मिलकर इन्होंने पूरे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है, ना कि सिर्फ इमरान खान के खिलाफ। और आज जो इस मुल्क में बहरान है, जो माशी और सियासी बहरान है, ये इन सब गद्दारों की वजह से। इस हवाले से अपनी राय दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें।